I hope you enjoyed your small little break. Welcome back to Flavours of Ramadan. और अब तैयारी करेंगे raw mango पुलाव के लिए. बहुत ही सिंपल है. सबसे पहले हम एक पैन को गर्म करेंगे. उसके अंदर हम डालेंगे ऑयल. इसके अंदर हम डालेंगे सूखी हुई लाल मिर्च. इसके अंदर हम डालेंगे मस्टर्ड सीड्स. इसमें जाएगा थोड़ा सा हींग और कड़ी पत्ता. अब हम इसके अंदर डालेंगे पील करके चॉप किया हुआ रॉ मैंगो यानी कि कच्चा आम. थोड़ा सा नमक इस स्टेज पर हम इसके अंदर डालेंगे बॉइल्ड राइस. All right, rice तैयार है, so it's time to plate up the pulao and the curry. All right. इसे आप चाहें तो करी के अंदर इस वक्त डाल सकते हैं या फिर अलग से करी के साथ सर्व कर सकते हैं. हमारी करी तैयार है, चिकन तैयार है, पुलाव तैयार है. इट्स टाइम टू प्लेट आवर फूड. करी को हम इस बोल में डालेंगे. हमारे पास हैं ये वुडन स्कीवर्स. वी केयरफुली स्कीवर देम. पुट देम ऑन द साइड. All right, we've got some microgreens for garnish. That's it. Hamari curry taiyar. Ab hum plate karenge rice ko. Rice is right here. Rice ko jab bhi plate kare ek platter mein always begin from the center. Rice ko zyada phailana nahi chahiye. Usse rice thanda ho jata hai, soup ke kadak ho jata hai. And our rice is ready. Rice तैयार है, करी तैयार है. अब बचा है एक refreshing drink. और आज का जो refreshing drink है वो है गुआवा पन्ना यानी कि अमरूद का पन्ना. बहुत ही simple recipe है. हमारे पास है एक bowl. उसके अंदर हम डालेंगे गुआवा juice. आप चाहें तो pink guava juice भी इस्तेमाल कर सकते हैं. Up to you. All of that. इसके अंदर हम डालेंगे fresh mint leaves chop किए हुए. All right, freshly chopped mint goes in. अब इसमें हम डालेंगे भुना हुआ जीरा. भुने हुए जीरे को हम थोड़ा सा कूट लेंगे. हल्का दरदरा. राइट. इसमें जाएगा खूब सारा नींबू. अब हम डालेंगे इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च बस चुटकी भर. और इसमें जाएगा काला नमक. थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक. इसे हम डाल देंगे जग में.
ऑलराइट, मेरा आज का रमजान स्पेशल मेन्यू तैयार है। मेरा काम खत्म हुआ, आपका काम शुरू होने वाला है, बिकॉज रोजा खोलने से पहले आपको ये डिशेस डेफिनेटली अपने घर पर बनानी है। ऑल द वेरी बेस्ट।